छात्रों के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी एक बार फिर से ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं टीएमसी इस पिटाई को लोकल मैटर बताकर खुद का पल्ला इस पूरे मामले से झाड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर बंगाल पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई पर बिहार में सियासी जंग तेज हो गई है। और इस वक्त देखिए, क्या बंगाल में परीक्षा देना मना है? ये सवाल भी अब इस वक्त उठते हुए, क्या बंगाल में बाहरी राज्यों के लोगों का आना मना है? आखिर बंगाल में कौन सा तंत्र इस वक्त चल रहा है, कौन सा तंत्र काम कर रहा है? और इसीलिए बार बार ये सवाल कि क्या बंगाल में परीक्षा देना मना है, बंगाल में बाहरी राज्यों के लोगों की आवाजाही पर सवाल है क्या? बिहार पुलिस की चिट्ठी अब इस बाबत जारी होती है, जिसमें बिहार पुलिस क्या कह रही है जरा वो भी अब आपको दिखा दें। बंगाल पुलिस को पिटाई के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, बिहार के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को इस पत्र के जरिए बिहार की पुलिस के द्वारा बंगाल की पुलिस को कहा गया है। यहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी है और इसी चिट्ठी के जरिए अपनी गंभीरता को दिखाया गया है। दो आरोपियों को, हालांकि इस मामले में अब तक कार्रवाई क्या हुई है, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने खुद को आईबी अधिकारी बताया, यानी जो दो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है वो अपने आप को आईबी के अधिकारी कह रहे हैं। आरोपी फर्जी आईबी अफसर बनकर छात्रों के सामने पहुंचे और ऐसे में अब सवाल ये कि क्या बाहर से जो छात्र पहुंचेंगे दूसरे राज्यों में परीक्षा देने के लिए, उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे होगी क्या? जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट भी छा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में, वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास, आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट। तो पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई पर सियासत इस वक्त तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राज्य कोई भी हो। पश्चिम बंगाल सरकार को इसे लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इससे बचना चाहिए, किसी भी स्टेट में सभी को आजादी है कहीं भी नौकरी करने का, काम करने का, और बंगाल प्रशासन को इसमें मुस्तैदी से उन लोगों को दंडित, हालांकि मुझे मालूम हुआ है कि वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन फिर भी और मुस्तैदी से इसको करना चाहिए। तो वहीं इधर चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए ममता सरकार पर हमला किया है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने जरा वो देखिए। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्ण मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। चिराग पासवान की तरफ से देखिए ये पोस्ट किया जाता है। वहां की मुख्यमंत्री ने फिर एक बार बिहारियों का अपमान किया है जो क्षम्य नहीं है, स्वीकार्य भी नहीं है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है क्या? ये सवाल चिराग पासवान की तरफ से उठाए जा रहे हैं। क्या अब भी विपक्षी दल के नेता इस मसले पर चुप रहेंगे? और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप किस हक से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन कीजिएगा? सियासत देखिए इस तरीके से इस पूरे मामले में अब बढ़ती हुई, तेज होती हुई, जिसमें अब एक के बाद एक बयान भी आ रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या बंगाल में परीक्षा देना गुनाह सा बन गया है?
इधर बंगाल में बिहारी छात्र की पिटाई पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में ना कोई कानून है और ना ही सरकार। बंगाल में अराजक स्थिति होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार को एक मिनट भी रहने का हक नहीं है। कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को एक मिनट रहने का हक नहीं। और अब बात बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर, जहां खूब सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। आरजेडी ने 1 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस पूरे मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया। बिजेंद्र यादव ने कहा है कि जगदा बाबू के घर में जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से उनको 17% कम बिजली बिल आ रहा है। बिजेंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल पर कई तरह के आरोप भी लगाए और साफ साफ कहा कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के घर में 3-3 स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। सभी स्मार्ट मीटर का बिल उनके पास है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनकी खपत 17% तक कम हो गई है। स्मार्ट मीटर को लेकर जो उनका विरोध है वो कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर दिखता है और वो जायज नहीं है। 3 जगह उनका कनेक्शन है। एक उनके अपने नाम से है, एक पुतोह के नाम से है और एक बेटे के नाम से। बता दीजिए तीनों का क्या है एक साल में, बता दीजिए महेंद्र जी। रीडिंग पहला जो है उसका जो जगदा बाबू के नाम से है 17% कम हुआ है 2 अवधि में जो कंपेयर किया है। नहीं, जगदा बाबू के नाम से जो उसको बता दीजिए उसका कंजम्पशन सर 2 अवधि में जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक बिल आया है और जो फरवरी 2022 से जनवरी 2024 तक स्मार्ट मीटर लगा है तो दोनों में जो कंजम्पशन है एवरेज मंथली कंजम्पशन वो 17% कम है। मैंने घटा है, बिल घटा है जगदा बाबू के नाम से है। उपभोक्ता उपभोक्ता बोल दीजिए नाम बोलिए। श्री जगदानंद सिंह और उनके पुत्रों के नाम से जो उसका भी बोलिए। श्रीमती सरस्वती कुमारी, ये इनका भी जो 2 अवधि का कंपेयर किया हम लोगों ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 से जनवरी 2024 इस दोनों अवधि में कोई खास वृद्धि कंजम्पशन का और बिल का नहीं। हाँ पटना में जी। तीसरा बिल श्री दिवाकर सिंह जो उनके लड़के हैं उनका थोड़ा अधिक है बट वो कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत तेज है। आरजेडी इसे लेकर विरोध जाहिर कर रही है। तो आरजेडी का ही क्या बिल आया स्मार्ट मीटर लगने के बाद, उसे अब सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा है। बिजेंद्र यादव दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 25 सितंबर को आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में लग रहे स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। आंदोलन का ऐलान किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाकर आम जनता को लूट रही है। नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो और 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन कंफाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं। तो जगदानंद सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, विरोध जाहिर किया जाता है, उन्हीं का बिल कम आ रहा है और इसीलिए हवाला उन्हीं का दिया जा रहा है जो कहते हैं कि गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कोई आए तो मत लगाने दीजिए। इधर विजेंद्र यादव के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस का यह कहना है कि किसी एक व्यक्ति के बिजली मीटर से पूरे राज्य के उपभोक्ताओं की परेशानी दूर नहीं होने वाली है। तो बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर इसे लेकर जोरदार हमला किया और कहा कि विजेंद्र यादव के बयान से यह साफ हो गया कि स्मार्ट मीटर लोगों के हित में है, उनके लिए फायदेमंद है। मंत्री जी, किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट मत कीजिए। शायद आपको पता नहीं है लेकिन बहुत जल्द ही बिहार में खुलासा होगा कि बिहार सरकार में रहते हुए सरकार के लोग, सरकारी लोग किस तरह से बिजली विभाग को चूना लगा रहे हैं। को जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं वो
बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले जो कार्य हो रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को परेशानी और कठिनाई हो रही है, उन कठिनाइयों का वर्णन नहीं किया। राजद के लोग इसलिए स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं कि बिजली का चोरी बंद नहीं हो सके। श्री जगतानंद सिंह जी के जो बिजली बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद कम आया है, यह बहुत खुशी का बात है। इसी तरह से हर एक जनता का बिजली स्मार्ट मीटर से हम लोग चाहते हैं कि बिजली बिल ईमानदारी से मिले, लेकिन राजद के लोग को बेईमानी ही फेरिस्त बना हुआ है। विपक्ष के द्वारा स्मार्ट मीटर को कटघरे में खड़ा करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्मार्ट मीटर का सिंपल सा फंडा है कि जितना आप उपयोग करेंगे उतना आपको बिल देना पड़ेगा, और राजद जैसी पार्टियां जिनके राज में बिहार में बिजली थी ही नहीं, अगर ऐसी बात करें आरोप लगाएं तो हास्यास्पद ही लगता है। तो देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने की पहल की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि स्मार्ट मीटर लग जाए तो जो बिजली की चोरी होती है उस चोरी पर विराम लग जाए, लेकिन सियासत जो है वो थमने का नाम भी नहीं ले रही। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर इसे लेकर जमकर निशाना साधा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि आरजेडी के वक्त में बिहार में बिजली ही नहीं होती थी, अब आरजेडी स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। ये बिजली आरजेडी के जमाने में रहती नहीं थी। आरजेडी तो लालटेन का प्रतीक है, आज बिजली है और मीटर को लेकर सिर्फ भ्रम पैदा किया जा रहा है। अभी तो कांग्रेस में और आरजेडी में होड़ है कि किसका मीटर कितना चल रहा है। आपस के अंदर यही होड़ के वजह से ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रेप की घटनाओं की एक लिस्ट जारी कर दी, जिस पर सियासत एक बार फिर से तेज है। इतना ही आंकड़ा जारी करने का शौक है तो जब बिहार में आप डिप्टी सीएम थे उस समय के भी आंकड़े आप जारी करिए, तब आपको पता लगेगा कि कैसे जब जब आप डिप्टी सीएम बनते हैं बिहार में हर तरह के अपराध, बलात्कार सहित, जघन्य बलात्कार सहित कितना बढ़ जाता है। जब आप डिप्टी सीएम होते हैं तो जो अभी आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे करीब 20% बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती है। माननीय तेजस्वी यादव जी ट्विटर के अगुआ बन गए हैं। ट्विटर को जिस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, जैसे लगता है कि वो ट्वीट पर ही जगते हैं, ट्वीट पर ही सोते हैं, ट्वीट पर ही भोजन करते हैं। लेकिन एक और उसमें खामी है, एक ही घटना को दो दो तीन तीन बार लिख करके बता करके बिहार में भय और आतंक का माहौल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आए दिन कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे डकैती हो रहा है, कहीं पे छीना झपटी हो रहा है, कहीं पे बलात्कार हो रहा है, कहीं पे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये रोज का अब बिहार में रूटीन वर्क हो गया है। बिहार और बिहार सरकार की जो इकबाल है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 20 से अधिक दुष्कर्म, यौनाचार और बलात्कार की घटनाएं हुई, और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार और सरकार के लोग इस मामले पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, इस पर वक्तव्य भी जारी नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से चिर निद्रा में सोए हुए हैं और शासन प्रशासन ऐसा लगता है कि बिहार में पूरी तरह से अपराध करने वालों के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन पूरे होने पर गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्रालय की उपलब्धियों को गिनाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कृषि के बाद देश में रोजगार देने वाला विभाग सिर्फ टेक्सटाइल है, ये किसान और उद्योग दोनों से ही जुड़ा हुआ है। गिरिराज सिंह ने इसके आगे कहा कि टेक्सटाइल के मार्केट को $350 बिलियन के साइज पर ले जाना ये टारगेट है। सिल्क हो, उलन हो, कॉटन हो, हम इन सबों में अग्रणी भूमिका अपनाने का काम किया है। अभी टेक्सटाइल मंत्रालय ने लगभग 167 बिलियन का मार्केट साइज है टेक्सटाइल का,
जिसको 350 बिलियन मार्केट साइज पर हमें ले जाना है। जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, नेशनल टेक्सटाइल मिशन है, उसके तहत हमने लगभग 150 R&D के लिए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया। वहीं पटना से बड़ी खबर है, जहां भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। हत्या की धमकी को लेकर यह शिकायत दर्ज हुई है। महिला यूट्यूबर ने यह शिकायत दर्ज करवाई है कदमकुआं थाने में। इसे लेकर एक शिकायत दर्ज हो चुका है। पटना की कदमकुआं थाने की पुलिस छानबीन में इसे लेकर जुट गई है। पत्नी ज्योति सिंह से विवाद का जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है और इसी को लेकर महिला यूट्यूबर पर ये मामला दर्ज कराया गया है। कदमकुआं थाने में शिकायत भी दर्ज हुई है। तो पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई। देखिए, पहले तो पारिवारिक और घर के अंदर ही विवाद को लेकर पवन सिंह पर सवाल उठ रहे थे, अब महिला यूट्यूबर ने एक शिकायत दर्ज करवाई है पवन सिंह को लेकर। हत्या की धमकी देने का यह मामला बताया जा रहा है और संभवतः यह माना जा रहा है कि पत्नी ज्योति सिंह को लेकर जो विवाद जुड़ा हुआ है उसी से जुड़ा हुआ यह मामला, जिसमें अब महिला यूट्यूबर ये कह रही है कि उन्हें हत्या की धमकी दी गई है। गाड़ी के बीच आ जाते हैं, रुकती है गाड़ी, मेरे पास आते हैं दो लोग आते हैं और नॉक करते, मैं खोल देती हूँ। मैं सोची कि कोई होगा, किसी को मेरी जरूरत है, तो उन्होंने नॉक किया, बोला आप ही बबीता मिश्रा हो। तो इसमें से एक और शख्स था जिसने कहा कि यही तो बबीता मिश्रा बिया, क्योंकि गाड़ी का लोगों में हमारा फोटो लगा हुआ है। फिर उसने कहा कि पवन भैया का आदेश है, यानी पवन सिंह का आदेश है, ज्योति सिंह के मामले से तुम हट जाओ, नहीं हटोगी। तो उसके पास एक कट्टा था, देसी कट्टा, उसने हमारे सर पे ऐसे रखा। उसने कहा कि अगर तुम नहीं हटोगी तो तुम वो अगली बार जान से मार देंगे। और वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस के सभी अधिकारियों को लेकर छुट्टी जो है 16 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दी गई है। आगामी पर्व त्योहार को लेकर बिहार पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। 5 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर ये वो तारीख है जब छुट्टियां अगर पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से लगाई गई है तो उसे रद्द कर दिया गया है। दशहरा पर्व को लेकर सभी प्रशासनिक छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। विशेष परिस्थिति में हालांकि छुट्टी मिल सकती है। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था का आदेश इसे लेकर अब जारी है। कैमूर पुलिस का बेरहम चेहरा जो है वो सामने आया है। एक युवक को बीती रात खेत में पटवन के दौरान एक सांप ने डस लिया। युवक के कान से खून गिर रहा था। बेचैनी की हालत में वो खेत से भागते हुए गांव तक पहुंचा। इस बीच पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस ने युवक को पकड़ा और बार बार घर जाने की बात कहने पर भी पुलिस ने 2000 रुपए की मांग की। पुलिस ने कहा कि पैसे दो, उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। फिर पुलिस युवक के घर आई, 700 रुपए लेकर उसे छोड़ा जाता है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शराब पीने का आरोप लगाकर उसे रोक लिया। उसके बाद परिजन झाड़ फूंक करवाने लगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सांप काटने की वजह से युवक की मौत हो गई। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के निविया ताड़ गांव का बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस अगर डेढ़ दो घंटे का जो वक्त पुलिस ने पैसे के लेन देन को लेकर खत्म कर दिया, उस वजह से युवक की मौत हो गई, नहीं तो युवक जिंदा होता। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार